हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ काजल और आपका बहुत बहुत स्वागत है काजल की किचन में। तो दोस्तों, आज रथ यात्रा के अवसर पर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि जगन्नाथ जी के भोग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए खाजा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, खाजा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कप यूज़ किया है। इस कप से ही मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मेज़र करूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कप से लगभग 2 कप मैदा एक बोल में डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने लगभग 2 कप मैदा इस बोल में डाल दिया है। ये क्वांटिटी में लगभग 200 ग्राम्स होंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो ये मैंने लगभग 1/4 टीस्पून नमक भी डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे घी। तो ये मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग हम इसमें 2 टीस्पून घी डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 टीस्पून घी इसमें डाल दिया है। दोस्तों, आप चाहे तो इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम घी को डालकर इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, हम इससे थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि इसमें मोयम ठीक से पड़ा है कि नहीं। तो ये देखिए, मैंने इसे हाथ में कंबाइन किया है, तो ये एक बार में अच्छे से कंबाइन हो जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये मैंने उसी कप से आधा कप पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, डो हमें बिल्कुल मीडियम टाइप का बनाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड। पानी बिल्कुल हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें घी ज़्यादा यूज़ किया है, तो पानी हमें इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डो को अच्छी तरह से गूंद कर तैयार कर लिया है। अब दोस्तों, हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से ढक कर लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये देखिए, हमने आधा कप पानी लिया था और उसमें से भी थोड़ा सा पानी अभी भी बच चुका है। तो दोस्तों, डो तो हमारा रेडी है, इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। और इसके साथ ही हम चीनी की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। दोस्तों, सेम कप से मैंने मेज़र करके लगभग 1.5 कप चीनी इसमें डाल दिया है। तो 1.5 कप चीनी डालने के बाद इसमें हम लगभग 1/2 कप पानी भी डाल देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक इसे ऐसे ही पका लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे इसमें लगभग 3 से 4 मिनट लग गए थे। तो ये देखिए, 1 मिनट के बाद जो हमारा चीनी है वो एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसमें काफी बबल्स भी आ चुका है। इसी स्टेज में दोस्तों, हम इसमें डाल देंगे इलायची। तो ये मैंने लगभग 2-3 इलायची को खोलकर इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसकी जगह इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं। टोटल मैंने इसे 4 मिनट तक पका लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा चाशनी है बनके बिल्कुल तैयार है। चाशनी बिल्कुल हमें ऐसी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल एक तार वाली चाशनी बन रही है। तो ये हमारा चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, अब हम डो को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, डो हमारा पहले से काफी सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स ले लेंगे। तो दोस्तों मैंने इतने मैदे में इसके चार बॉल्स बना लिए थे, ये देखिए मैंने इक्वल साइज के चार बॉल्स ले लिए हैं। और अब हम इसे गोल बेल देंगे। तो दोस्तों इसे बेलने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, कॉर्नफ्लावर को हम लगा लगा कर इसे बेलेंगे। फ्रेंड्स हमें इसमें कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करना है, मैदा या फिर आटा यूज़ नहीं करना है, वरना जो हमारा खाजा है वो क्रंची नहीं होगा और ये फट सकता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे बिल्कुल मीडियम साइज में गोल बेल दिया है। कॉर्नफ्लावर हम थोड़ा थोड़ा सा लगा कर इसे बेल लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह अरारोट की पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप मैदा या फिर आटा इसे यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना जो हमारा खाजा है वो फ्राई होने के टाइम फट भी सकता है। तो ये देखिए मैंने इसे गोल बेल दिया है, इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। दोस्तों ये देखिए मैंने इसे इतना पतला बेला है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। दोस्तों इसी तरह से हम बाकी के बॉल्स को भी बेल कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे रोटी बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक स्लरी बना लेंगे जिसे कि हम सारे रोटी चिपकाने के लिए यूज करेंगे। तो ये मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है और कॉर्नफ्लावर के साथ हम इसमें लगभग 1 टीस्पून घी भी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो स्लरी है बन के बिल्कुल तैयार है और अब हम इसी स्लरी को रोटी के ऊपर लगाकर इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। इसके साथ ही हम जो दूसरे रोटी है इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। इसके ऊपर वापस से हम सेम स्लरी को लगा देंगे और वापस से इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो दोस्तों चारों रोटी के ऊपर मैंने अच्छी तरह से स्लरी को लगा दिया है और दूसरे रोटी को इसके ऊपर से स्टिक कर दिया है। बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे रोटी के ऊपर स्लरी को लगा दिया है और इसे एकदम अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है। जो एंड वाली रोटी है उसके ऊपर भी हम बचे हुए स्लरी को लगा देंगे और इसे अब हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हम एकदम साइड से इसे बिल्कुल पतला सा फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल पतला फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों अब हम इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह से चिपक जाए और ये खुले नहीं। तो ये देखिए मैंने इसे हल्के हाथों से रोल कर दिया है। तो इसे रोल करके हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसके एजेस को अब हम कट कर देंगे। तो ये दोनों साइड से मैंने इसके एजेस को कट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इतनी बड़ी हमें खाजा चाहिए उतनी बड़ी हम इसकी पीसेस को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे एकदम छोटे पीसेस में कट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके साथ ही हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा बेल और इसे खाजा वाला शेप दे देंगे। बेलन से इसे लंबा बेल दिया है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे ताकि जो इसका टेक्सचर है वो खराब ना हो। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे एकदम हल्के हाथों से बेल दिया है। तो हमारा खाजा बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका जो टेक्सचर है वो काफी अच्छे से समझ आ रहा है। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये देखिए दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने इसमें एक एक करके खाजा डाल और अब हम इसे लगभग
दो से तीन मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगभग तीन मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो इसे दो मिनट तक फ्राई करने के बाद इसे निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कलर चाहिए खाजा का, तो आप इसे थोड़े देर और फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग दो मिनट हो चुका है, इसका जो कलर है वो काफी चेंज हो चुका है। तो लगभग तीन मिनट के बाद हम इसे निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी के खाजा को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो खाजा है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो इसका जो टेक्सचर है वो काफी अच्छे से समझ आ रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची बना है। इसके बाद दोस्तों, हम एक एक करके सारे खाजा को इस चाशनी में डाल देंगे और लगभग एक मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और एक मिनट के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने खाजा को चाशनी में डाल दिया है। इसे एकदम अच्छी तरह से हम चाशनी में डिप कर लेंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका खाजा बनाने का। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो इसे घर पर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।